एक महीने के अंदर इन्होंने तकरीबन 200 से 250 ग्राम वेट गेन किया। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, तो इसलिए मैं इनके लिए जो ये ना ही कोई कंट्रोल शेड अफोर्ड कर सकता था और ना ही कोई मैं कूलर अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने इनको ज़्यादा जो है वो फीड नहीं डाली। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ पेट 64। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपसे एक बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ। आज से एक महीना पहले मैंने तकरीबन 30 से 35 पीस, 36 पीस थे, उसमें से एक एक्सपायर हो गया और पीछे अब मेरे पास मौजूद हैं 35 पीस गोल्डन मिश्री के। वो जब मैंने लिए थे तो उनका वेट था तकरीबन 150 ग्राम और 160 ग्राम, आज से तकरीबन एक महीना पहले। और वो मुझे पर पीस कॉस्ट पड़ा था 180 रुपये पर पीस, और अगर अब आप हैचरीज पे रब्ता करें तो आपको इससे भी कम में मिल सकते हैं। ये एग्जैक्ट रेट नहीं बता रहा मैं आपको, इससे भी कम में मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो एक महीना गुजरा और अब जो उनका वेट है तकरीबन 350 से 400 ग्राम है। और अब आपके जहन में आ रहा होगा, यार ये फीड इतनी खाते होंगे या फिर कितना खाते होंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के लिए चीज़ अफोर्ड करनी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, तो इसलिए मैं इनके लिए जो ये ना ही कोई कंट्रोल शेड अफोर्ड कर सकता था और ना ही कोई मैं कूलर अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने इनको ज़्यादा जो है वो फीड नहीं डाली, ठीक है ना। जो चूज़ों वाली फीड होती है वो मैंने ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डालता तो वो गर्म होती है, खासी गर्म होती है। तो इसके लिए मुझे इनको इनके लिए कंट्रोल शेड लगाना पड़ना था, या फिर मुझे इनके लिए अंदर कूलर लगाना पड़ना था, जिसकी वजह से मुझे इसके लिए अच्छी खासी मुश्किल पेश आनी थी। मैंने इस चीज़ का एक सबसे अच्छा सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने जो सबसे ज़्यादा मकदार में ली वो थी मक्की, ठीक है। जो उसके बाद उससे कम मकदार में थी वो थी फीड, यानी आप अगर कह लें अगर 5 किलो मक्की, 2.5 किलो फीड और तकरीबन 1 किलो बाजरा, इस सब का मैंने मिक्सचर बनाया, ठीक है, और वो इनके लिए तैयार किया ताकि ये इनकी डाइट अच्छी रह सके या कि ये अच्छे से वेट गेन कर सकें। और इन्होंने माशाल्लाह एक महीने में अपने वेट से डबल डबल से भी ज़्यादा गेन किया। मैं डबल नहीं कह रहा कि डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि जब आए थे तब 150-160 ग्राम था, और ठीक एक महीने बाद जो इनका अब वेट प्रेजेंट वेट है वो 350 ग्राम से लेके 400 ग्राम के दरमियान तक है। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर चूज़े रखने हैं या फिर मुर्गियां रखनी हैं, चूज़े रखने हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर शेड हो भाई, उसके साइड पे जालियां लगी हो या ऐसी भी कोई चीज़ हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने रखे हुए हैं। ये एक रूम है, ये रूम के अंदर ही मैंने इनका सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे ही होते हैं। ये पानी वाली कुंडी है और वो दूसरी कुंडी है। कोई मैंने वो केन नहीं लगाए, कोई मैंने यहाँ पे वाटर सिस्टम नहीं लगाया, जो हो मुश्किल पेश है लोगों को, ठीक है ना। सिर्फ मैं ये छोटा सा एक कंसेप्ट अपना मैं कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये है छोटी सी जगह, एक कमरा ही है, इसके अंदर तकरीबन 35 पीस हैं। 35 के लिए ये बहुत बड़ी जगह है, ऐसा नहीं है कि ये 35 के लिए थोड़ी जगह, ये बहुत बड़ी जगह है 35 के लिए। तो अब ये रूम है, इसके अंदर होते हैं तकरीबन सारा दिन, तो सुबह में छोड़ता हूँ और शाम में छोड़ता हूँ। और बाकी ये जगह है, ये देखें, ये मेरे वो फिर रहे हैं चूज़े, ये सारे ऐसे ही फिरते हैं, और तकरीबन सुबह आधा घंटा और शाम में आधा घंटा है। ये कच्ची जगह है, यहाँ पे पानी वाला छिड़क के वो बैठा हुआ है, आराम से ऐसे ही फिरते हैं, जैसे ये फिर रहा है, वो फिर रहा है, वो फिर रहा है। और इसके साथ जो है, इन्होंने मेरी एक महीने में, आपको मैं टोटल बताऊँ, फीड भी, मक्की भी और बाजरा भी, जो इन्होंने टोटल मेरा इन्होंने खाया है वो तकरीबन 5 से 5.5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं, 5 से 5.5 किलो में 35 चूज़ों को मैंने अच्छा फीड किया एक महीने के लिए। इसके साथ साथ मैंने इनको देसी खुराक जो होती है वो भी दी, यानी जैसे कि सब्जियां, चारा वगैरह, लूसन था जो ये मैंने यहाँ पे ले ली, एक रखी हुई है जिसके लिए लूसन लेके आता था, वो भी मैंने इनको इसको साथ दी, ताकि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहे, ज़्यादा मैदा हीट वगैरह ना हो। और इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा मेडिसिन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, मैंने वैक्सीनेशन की इनकी, ये नहीं कि मैंने बिल्कुल वैक्सीनेशन दवाइयों वगैरह की, यानी वैक्सीनेशन इनकी लाजमी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वैक्सीनेशन के बारे में बताऊँ, वो तो मैं अलग आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करके बताइए, पूछें मुझसे कि भाई जन मुझे बताएं जी वैक्सीनेशन कौन सी अच्छी है, या आपने कौन सी की। जो मेरे हिसाब से अच्छी थी मैंने वही की, मैंने लोगों का नहीं सुना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, कोई मसला नहीं बना। वो एक को मसला बना था, लेकिन वो शुरू से ही वो था
थोड़ा सा वो दो दिनों बाद एक्सपायर होगा था लाने के। लास्ट में जो बात आती है वो है कि एक महीने के अंदर इन्होंने तकरीबन 200 से 250 ग्राम वेट गेन किया, ठीक है, और 35 चूज़ों ने तकरीबन 5 से 5.5 किलो फीड खाई, जो अकेली फीड नहीं थी, साथ बाजरा मक्की ये दोनों चीज़ें मिक्स थी, ठीक है। तो लास्ट में बात मेरी तरफ से यही आएगी, अगर आपके पास है रिसोर्स हैं थोड़े बहुत, मैंने ये तकरीबन आप कह लेंगे मैंने 10,000 से स्टार्ट किया और अब मेरे पास इससे डबल होगा तकरीबन, अगर मैं सेल करता हूँ तो आप मेरे पास इससे डबल है होगा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इतने हैं तो आप लाजमी करें, कोई इसमें वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर जगह है। हाँ, सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉपर जगह। अब मेरे पास ये प्रॉपर जगह है, मैंने ये ली हुई है, ठीक है ना, सिर्फ इन्हीं के लिए। ये एक फीमेल जमा शाफर की है, ये कैट है, यहाँ पे सील है, बाकी चीज़ें अंदर बंद की हुई हैं, एक और रूम उसके अंदर, एक इधर भी है रूम, इनके अंदर एक इधर भी है, यहाँ पे बाकी चीज़ें भी बंद हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर जगह है तो फिर, अगर ये नहीं कि आप घर में रखें, घर में भी बिल्कुल ऐसा बंद कर सकता, लेकिन हाँ छत पर सेटअप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी छोटी सी वीडियो होती है ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए वो आपके तक पहुंच सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।